जरीपटका में सदगुरु ड्रेसेस में भीषण आग लगने से दुकान जल के खाक हो गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाया गया। एनवीसीसी के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया ने उनके सहयोगी के साथ पीड़ित दुकानदार से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आह्वान किया। आज 2 तारीख को जरीपटका क्षेत्र में 2 दिसंबर को जरीपटका क्षेत्र में सदगुरु कस्टेज में जो फायर हुआ है, अंधान लगी है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे हमको सीख लेना है। हमको मौके पे ये पता चला है कि दुकान का इंश्योरेंस नहीं था, बैंक लोन के कारण एक मिनिमम इंश्योरेंस था। मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, ये अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है। इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस बोले तो एक हमारा परिवार का आदमी खड़ा हमारे ऊपर साया है, ऐसा समझिए और आप अपना इंश्योरेंस कराइए। जनरली इंश्योरेंस हमको खुद का, मकान का, दुकान का, सभी चीजों को कराना चाहिए। नमस्कार, आज 2 दिसंबर को जरीपटका दुकानदार संघ के माध्यम से हमने मेन बाजार के अंदर में जो कल रात को अंधार लगी थी, न्यू सदगुरु कश्मीर के अंदर में उसने विजिट किया। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन भाई मेहरिया जी, अर्जुन दास आहुजा जी, इन्होंने भी यहाँ भेंट दी। और विशेष रूप से कुछ दिन पूर्व दिवाली के समय में हमारे बंटी भाई जलानी जी के दुकान के अंदर में भी इसी तरीके से आग लगी थी। देखने को यह आया है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर में पहले तो ऐसी दुर्घटना घटनी नहीं थी, इसको नहीं तो रोकना चाहिए, लेकिन अंधार लगने के बाद में जो दूसरे दिन हम देखते तो व्यापारी भाइयों की तरफ से इंश्योरेंस नहीं रहता। मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस अति महत्वपूर्ण है। हर चीज के लिए इंश्योरेंस नहीं चाहिए और जितना स्टॉक अपन रखते हैं लगभग उससे ज्यादा अमाउंट का कम से कम इंश्योरेंस अपन ने करना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा बाद में का नुकसान को और इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत कम अमाउंट के अंदर भी अपन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पक्का आप कंपल्सरी इंश्योरेंस कराइए, यही मैं निवेदन करता हूँ। ये इतनी दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटी है, इसका खंडन करता हूँ और पुलिस विभाग और महानगर पालिका ये इसके ऊपर से देख रहे हैं कि गलती किसकी हुई। ये तो जबरदस्ती व्यापारियों को तकलीफ देने का काम अगर डिपार्टमेंट करेगा तो उसका भी हम विरोध करते हैं। धन्यवाद।